आदि की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। रही बात कलाकार की, तो सज्जनों कलाकारी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कलाकार के चरणों की धूल के समान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग और गुरु जी के आशीर्वाद से जो कुछ भी सीखा है आपके सामने पेश करूंगी। तो सबसे पहले रागनी उन वीर शहीदों के नाम जिन्होंने, जिनकी वजह से आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस देखने का हमें मौका मिला, जिनकी बलिदानियों के कारण आज ये दिन आया। तो सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करते हुए कैसे एक रागने के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सुनिए कैसे। नतमस्तक है उन वीरों को जिनका यो बलिदान है, भारत देश हमारे की इस जग में ऊंची शान है। नतमस्तक है उन वीरों को जिनका यो बलिदान है। हरियाणा से इस रागनी पे खुश होके
₹500 से मेरा मान सम्मान करते हैं। मैं सरपंच जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। अमित यादव जी मोकड़वास से ये 20 रागनी पे खुश होके ₹1100 से मेरा मान सम्मान करते हैं। यादव जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। सुनील पहलवान जी कासन निवासी ये भी ₹500 से मेरा मान सम्मान करते हैं। मैं पहलवान जी का भी बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। नरेश यादव जी धारूहेड़ा से ये 20 रागनी पे खुश होके ₹500 से मेरा मान सम्मान करते हैं। मैं नरेश जी का भी बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबको सबसे मिला दिया, कर
तब एक महान है, नतमस्तक है उन वीरों को जिनका यो बलिदान है। सज्जनों, आखिरी बात में कवि ने बताया कि उन लोगों की कुर्बानियों के बाद जब उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान किया और हमें आजादी दिलाई, उसके बाद जब से भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद इस भारत में क्या क्या हुआ, क्या बताया मैंने आखिरी बात में। I didn't know।